अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बल्ला छिन जाने के बाद जो है वो पीटीआई ने कराची में बहुत ही बड़ा पावर शो किया है। तो इस जलसे में जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत ही धमाकेदार किस्म का खिताब किया है और अदलिया को अड़े हाथों लिया है। तो आइए पहले शेर अफजल मरवत साहब का जो है वो धमाकेदार खिताब सुनते हैं, उसके बाद बात। कि कल मगो हो तो यकीन रखो कि अल्लाह ने अर्जी हिस हर जी शऊर हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। तो जब जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है, तो फिर इन इदारों से, इन रियासती गुंडों से, ये पुलिस से, ये डालों से डर कैसा? जब आपका खान नहीं डरा, जब आपका खान नहीं झुका, और प्यारे भाई जब आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने डर को, खौफ के पत को लात मारा, आपने देखा कि बलूचिस्तान ने भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह खौफ और डर को भगाया, तो सिंध भी बलोची, बलोच, उर्दू स्पीकिंग पश्तून यानी कि पाकिस्तानी हो, फिर आप और हम मिलके किस तरह इनके डर को पांव तले नहीं रोन सकते हैं? सलाम दो, क्या आप लोग डर गए हैं? क्या तुम्हें कोई डरा सकता है? अगर तुम पाकिस्तानी हो, अपने बहू का दूध पिया है, तो समझ लो ये FIR, ये जुल्म जबर, ये फिस्ताइयत हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती है। तो आओ मिलके एक नारे मस्ताना बुलंद करें। नारे का जवाब दोगे, पहले ये बताओ कराची के लोगों क्या महसूस किया? डर भागा के नहीं? ये जो बिला वाला उसमें चुप हुआ छोर है, बैठ गए हम। माइक दोनों आ गए। कल हमारा हैदराबाद में जलसा है, हैदराबाद के लोगों आ रहे हैं, कराची के लोगों की तरह अपने भी डरना नहीं है।
के मेहमान होंगे। आप अगर हमारे साथ निकलेंगे तो हम डट के खड़े होंगे। आखिर में इस जलसे का इख्तिताम कुछ नारों पे। आज रात मैं सर हाउस में 9 बजे ईस्ट में हमारा वर्कर कन्वेंशन है। मैं सर साहब के फार्म हाउस पे आपने आना है। आओगे आओगे रात को 9 बजे मैं सर हाउस। कल 2 बजे हैदराबाद में हमारा जलसा है और बकाया प्रोग्राम का ऐलान हम वेबसाइट पे करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ का और यूथ विंग का शुक्रगुजार हूं। आपके जज्बों को सलाम, आपकी मर्दानगी को सलाम, आपकी गैरत को सलाम। जी तो नाज़रीन, आपने शेर अफजल मरवा साहब की बातचीत सुनी तो उनकी तकरीर का खुलासा यही था कि चोरों और डाकुओं की हुकूमत थी तो आवाम ने हमें मुंतहब किया, हम हुकूमत में आए लेकिन हमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने और इन लोगों ने हमें हुकूमत में रहने नहीं दिया और फिर से जो है वो चोरों और डाकुओं को मुसल्लत करना चाहते हैं। हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया, किसी तरह से जो है वो PTI इलेक्शन ना लड़ सके और इलेक्शन का बाईकाट कर दे, लेकिन हम इलेक्शन का बाईकाट नहीं करेंगे, हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान ही जो है वो वज़ीर आज़म होंगे। तो ये थे जनाब शेर अफजल मरवा साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।